हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइज 5.6 द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आइए तो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अगेन हेयर एक्स एंड वाई आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन इन टी, राइट। सो एक्स एंड वाई का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। एंड डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बहुत बात बताया है कि डी वाई ओवर डी टी फाइंड करिए एंड डी टी बाई डी एक्स फाइंड कर दीजिए। क्लियर? सो डी वाई बाई डी टी एज वेल एज डी टी बाई डी एक्स। आप एक्स का डेरिवेटिव लिख लीजिए। ये एक्स है कितना? साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव नाउ डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर रूल लगेगा। तो फॉर्मूला क्या? डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, राइट। ये फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट कॉस 2t इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डी ओवर डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। इसका क्या आएगा? स्क्वायर जैसे आप करेंगे तो वो हो जाएगा सिंपली कॉस 2t, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना? अब ये क्या आएगा? डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ये अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज। अब आप साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3 sin² t इंटू साइन टी का क्या आएगा? कॉस टी। क्लियर? नेक्स्ट माइनस साइन क्यूब टी एंड इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो कॉस 2t की पावर हाफ, और हाफ का करेंगे तो 1/2 डिनोमिनेटर में, और कॉस 2t की पावर 1/2 माइनस हाफ होगा, हाफ आएगा और वो हाफ करने पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये इतना हो गया कॉस 2t इंटू। अब चेन रूल से आप कॉस 2t का करेंगे डेरिवेटिव तो माइनस का साइन 2t एंड 2t का आप करेंगे डेरिवेटिव तो 2 आएगा। क्लियर हो गया इतना? और अपॉन क्या रहेगा? कॉस 2t तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये टर्म एज इट इज रहेगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। सो यहाँ से आपका डी एक्स ओवर डी टी क्या आएगा? डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t एंड 3 sin² t कॉस 2t प्लस, ये इतना लिखा हुआ है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t है, इस कॉस 2t का एलसीएम कर लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से रूट कैंसिल, और रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या डिनोमिनेटर में? कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 ट्रीट कर लेते हैं। अब करेंगे वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ इस साइड का, और हम अब वाई का डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक, सो देखिए वाई का डेरिवेटिव अब क्या आएगा? उसको अगेन हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज यानी अंडर रूट कॉस 2t एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। तो कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव मैं सीधा लिखता हूँ 3 cos² t। अब कॉस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, फिर माइनस अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज कॉस क्यूब टी एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। जब इसका लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा अपॉन में 2 √cos 2t इंटू कॉस 2t का प्लस हो जाएगा साइन 2t इंटू 2। क्लियर? अपॉन जो ये है वो क्या है? कॉस 2t। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो dy by dt इज इक्वल्स टू माइनस
ये एलसीएम जाएगा, 2 से 2 कट कर दीजिए, हो जाएगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस sin 2t एंड cos क्यूब t अपॉन cos 2t इन ब्रैक रूट cos 2t। ये इक्वेशन 2 हो गई, क्लियर। अब आपको फाइंड करना है dy by dt, सो देयर फॉर dy by dx, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली जाने की वजह से क्लियरिटी कम हो रही होगी, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं फिर भी। dy by dx, लाइट प्रॉब्लम कर रही है आज। dy by dx इज इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी, इसमें पुट करते हैं, तो dy by dt आपने ये फाइंड किया, इसको एज इट इज लिखेंगे आप, कितना आएगा इसको पहले लिख लें, इसको हम चलो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिया, क्या आएगा कॉस स्क्वायर टी यहाँ पर है, कॉस क्यूब टी, हम एक कॉस स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर टी इन ब्रैकेट क्या आएगा बच्चा, कॉस टू टी इंटू साइन टी माइनस, आपने माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन टू टी इंटू एक कॉस टी बचा रहेगा, ठीक, अपॉन डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कट जाएगा, यही बचेगा उसको हम लिख रहे हैं, और इसमें भी आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर टी कॉमन, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर टी को कॉमन करके, ठीक, क्या आएगा थ्री कॉस टू टी, ओके थ्री कॉस टू टी, ओके ना। सो यहाँ पर देखिए कॉस टू टी था और ये है आपका कॉस टी, राइट, कॉस टू टी नहीं कॉस टी होगा, ओके ऑलराइट, क्योंकि साइन टी का आपने किया होगा डेरिवेटिव, नहीं कॉस, हाँ ठीक है, साइन टी कॉस क्यूब टी था, ये था आपका कॉस साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव आपने लिखा होगा थ्री साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन करेंगे तो कॉस आएगा, क्लियर है, यहाँ कॉस टी आएगा, ओके तो कॉस टू टी इंटू कॉस टी, ठीक, प्लस एक साइन बचा और साइन टू टी, साइन टी एंड साइन टू टी, क्लियर है इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रिमेनिंग टर्म्स हटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब क्या आता है फर्दर देख लीजिएगा। हाँ सो ये इतना हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ये इतना होने के बाद आप देखिए क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर टी, और इस कॉस टी को हम ओपन करेंगे अब, ठीक, कॉस टी को ओपन करेंगे किस फॉर्म में, कॉस का जो फॉर्मूला लिखा है कॉस टू ए का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, क्या आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ऑलराइट, कॉस टू टी के साथ थ्री भी था शायद, वो छूट गया है, यहाँ पर थ्री भी था, ओके यहाँ पर, तो थ्री ये रहा टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला, इंटू साइन टी, और फिर माइनस साइन टू टी का फॉर्मूला क्या, टू साइन टी कॉस टी, और एक कॉस टी है तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, क्लियर, अपॉन यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर टी, हमने इसलिए फॉर्मूला ओपन किया ये वाला क्योंकि हम यहाँ साइन कॉमन लेना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, कॉस को लेंगे कॉमन, राइट, तो कॉस को कॉमन लेने के लिए कॉस टू टी का फॉर्मूला हम साइन के फॉर्म में खोलेंगे, तो क्या आएगा थ्री वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, और ये कॉस टी एज इट इज, ठीक, प्लस टू साइन टी, और साइन टू टी का फॉर्मूला है वही खोल रहे हैं, टू साइन टी कॉस टी, और एक टू टी, एक टी साइन टी था तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सो ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू, यहाँ से हम साइन टी को कॉमन ले रहे हैं, ठीक, अपॉन क्या साइन स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर से हम एक कॉस टी को कॉमन करेंगे, यहाँ आएगा क्या थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, थ्री टू जा सिक्स कॉस स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक, और माइनस टू टू, और कॉमन क्या किया है साइन टी, तो आएगा क्या टू कॉस स्क्वायर टी, क्लियर हो गया टू कॉस स्क्वायर टी, अपॉन क्या बच रहा है यहाँ देखिए,
आपने कॉमन किया है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, ओके, प्लस क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप लिखेंगे यहां से cos t कैंसिल, एक साइन से एक साइन t कैंसिल, तो आएगा क्या dy by dx is equals to minus cos t upon sin t in bracket 6 minus 2 करेंगे तो 4 cos square t minus 3 upon 6 minus 2 3 minus 4 sin square t, अब cos को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो minus 4 cos cube t माइनस 3 कॉस टी अपॉन साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये आएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, न्यूमरेटर हो गया कॉस 3 टी का फॉर्मूला ठीक विद माइनस साइन, और डिनोमिनेटर हो गया साइन 3t का फॉर्मूला, तो cos by sin क्या आएगा माइनस का cot 3t। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।